हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग का प्यार नमस्कार। कैसे हैं सब? आशा करते हैं सभी लोग ठीक ही होंगे। और चलिए आइए, नेहा दीदी के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम जा रहे हैं, अभी जैसे कि आज जैसे धूप निकला हुआ था तो हम जा रहे हैं आज चटनी का साग लेने, जैसे चना का जा रहे हैं थोड़ा सा खोटने और चना का चटनी बनाएंगे और तो टमाटर भी डाल देंगे उसमें। तो टमाटर तो हमने रख दिया, पका दिए उसको। और देखिए, हम जा रहे हैं अभी चना का साग लेने जा रहे हैं थोड़ा सा चटनी के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं खेत में और थोड़ा सा चना लाएंगे, ज़्यादा नहीं लाएंगे, थोड़ा सा ही लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, और ये देखिए बच्चा लोग दोनों खेल रहे हैं, ये देखिए दोनों बच्चे लोग खेल रहे हैं। आज धूप निकला हुआ था तो हम दोनों का ही नहला दिए थे, गर्म पानी किए थे। और हम तो ऐसे सुबह में नहा लेते हैं, लेकिन हम दोबारा बाल धो करके नहा लिए अच्छे से, क्योंकि सुबह में ठंड लगता है, इसके वजह से बाल नहीं धोए थे। तो हमें याद नहीं था, कल बिफे है तो कल बाल तो धो नहीं सकते, इसलिए आज धो लिए। और धो करके हम फिर से नहा लिए और देखे बच्चा लोग को भी नहला दिए, गर्म पानी किए थे इन लोग के लिए। और मतलब एक तसला किए थे तो सभी लोग के लिए हो गया। और अभी नहा करके इन लोग खेल रहा है दोनों, देखिए। और चलिए खेत तरफ चलते हैं, इन लोग को नहीं ले जाएंगे वरना पूरा क्या करे बाबू, से चाना चाना सारा सोह देगा। अरे गेहूँ गया था टमाटर तोड़ने, तो उधर गेहूँ बुनाया था, तो ये देखिए बाबू क्या किया है कि अंशिका बाबू पूरा गेहूँ भी सोह के ले आए, देख रहे हैं इतना बदमाश है इन लोग। पूरा गेहूँ जो था वो सोह लिया, हम लोग नहीं देखे, टमाटर हम लोग तोड़ने में थे, इन लोग भी पहुँच गए वहाँ पर। तो इन लोग क्या किया कि गेहूं को ही सोह दिया, बहुत बदमाश हैं इन लोग, देख रहे हैं कितना इन लोग एक दूसरे से लड़ भी रहा है, इन लोग बहुत बदमाश हैं इन लोग। तो चलिए दोस्तों, जा रहे हैं अभी हम चना पे थोड़ा सा साग ले आ रहे हैं, इन लोग के नहीं ले जाएंगे नहीं तो इन लोग भी पूरा चना सोह देगा, ठीक है। हम इस कटोरी में ही लाएंगे, थोड़ा सा ही लाएंगे, क्योंकि केवल हम खाएंगे और थोड़ा सा बच्चा लोग खाएगा, और तो कोई घर पे है ये नहीं है। चलिए इधर जैसे कि हम लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे टमाटर वगैरह सारा जो लगल था इसमें ही हम लोग क्या किए थे, इसी से एक कटोरी लाए थे और हाथ के सहारे से हम लोग हाथ से खुरपी से पूरा बुन दिए थे। देखिए ये ज़्यादा दूर में नहीं, थोड़ा सा ही दूर में, ये देखिए ज़्यादा दूर में नहीं है, देखिए है इतने ही सा दूर में है, इससे एक कटोरी कितना चना होगा। और बुन दिए थे तो हो गया है खुटने खाने पर। और सुबह में भी हम कपड़ा वगैरह सब धोए थे, बच्चा लोग को नहला करके और हम सारा धोए और उधर भी पसार दिए हैं, वो देखिए वहाँ पे है। और चलिए सुबह में भी, और देखिए टमाटर वगैरह सारा तोड़े उधर, बाबू लोग को भी ले करके गए थे, मतलब पिछले ही लोग आया था, पूरा जौ ही सो दिया हम लोग, एक मुठा ले जौ सो दिया बाबू। और अंशिका से पूछ रहे तो अंशिका कह रही कि बाबू दिया है सो करके। तो चलिए दोस्तों, हम चना चना का साग खोटते हैं थोड़ा सा, इसमें ले जाने चटनी बनाएंगे उसको अभी। देखिए देखिए दोस्तों, हम चने के खेत में आ गए हैं और देखिए हम चने को खोटेंगे, फुनगी फुनगी खोटेंगे, क्योंकि हमको चटनी बनाना है तो हम फुनगा फुनगी ही खोट करके और इसको चटनी बनाएंगे। हाँ, फिर चटनी का जब सीजन जब रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, और झारखंड में लोग इसको बहुत चाव से लोग खाते हैं इसे चटनी का साथ। तो देखिए हम भी देखिए खोट रहे हैं, अच्छा लगेगा खाने में। चलिए दोस्तों, आप लोग भी खाइएगा चटनी चना का। और चना का ही साग और टमाटर वगैरह सारा मिला करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट भी लगता है खाने में। तो हम फुनगी फुनगी इस तरीके से खोट लेंगे सारा। और जब चना सिझाते हैं हम तो ये देखिए खेसारी वगैरह जो दिख रहा है सारा, उसमें हम सभी चीज़ खोट लेते हैं। और देखिए इसमें घास हो गया है, हम घास निकालेंगे बाद में, अभी नहीं।
क्योंकि अब मेरा शाम हो चुका है। तो शाम इसलिए हो गया कि दिन में हम कुछ और काम कर रहे थे यार, इसके वजह से मेरा शाम हो गया। नहीं तो आज घास निकालना था। बच्चा लोग भी आवाज़ दे रहा है उधर, उन लोग उनसे अगर बात करेंगे तो उन लोग झट से आ जाएगा, इसलिए उन लोग से बात नहीं करेंगे। जैसे आवाज़ दे रहा है तो उससे बोलेंगे ही नहीं, तो वो समझेगा कि मम्मी इधर है ये नहीं है। बहुत हमारे दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं। तो चलिए दोस्तों, साग चने का खोट लेते हैं, उससे आगे फिर। तो ये देखिए दोस्तों, हमने चना का साग खोट लिया है चटनी बनाने के लिए। तो हम चल रहे हैं, हरा मिर्च ले ले रहे हैं, दो चार पीस ले ले रहे हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा नहीं चाहिए चटनी में। हमको एक हम डालेंगे मिर्चा, क्योंकि बहुत जो मिर्चा है ना, बहुत जया मिर्चा है, बहुत तीता लगता है। तो चलिए हम एक ठे मिर्चा लें। देखिए हम यहीं पर रखते रहें, यहाँ पर रख दे रहे हैं, लेकर के नहीं जाएंगे, उसको खेत में नहीं ले जा रहे हैं, इसको यहीं पर रख दे रहे हैं। और चलते हैं हरा मिर्च लेने। तो ये देखिए दोस्तों, हम मिर्च के खेत में आ गए हैं। ये देखिए मिर्च का खेत है, हम इसमें से मिर्च तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम ये देखिए मिर्च तोड़ ली है, अब हम जा रहे हैं, और हम जा करके उससे चटनी पीसेंगे, अभी जा रहे हैं। और ये देखिए इधर टमाटर है, क्योंकि हम टमाटर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि टमाटर जो है हम आज दोपहर में आग उग जलाए थे, तो टमाटर को क्या किए, उसको पका दिए, इसलिए पका दिए कि ठंड का मौसम है, काचा टमाटर तो खाने से अच्छा ही रहता है, लेकिन नहीं काचा पीसेंगे, क्योंकि बच्चा लोग को खाना भी है ना, इसके वजह से हम नहीं पीसे कांचा।